अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शर्मिला अली लगारी है और मेरा ताल्लुक मीरपुर खासियत से है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन की फाइनल ईयर की तालबे इल्म हूँ और आज के ब्लॉग में मैं आपको ले चलूँगी डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन। तो आइए चलते हैं सिटी ऑफ एजुकेशन जामशोरो। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से सारी पॉइंट्स गुजर रही हैं और यहाँ पर मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं पॉइंट के आने का। और ये है पॉइंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की। हमारी पॉइंट आ चुकी है, अब हम चलते हैं पॉइंट में। सिंध यूनिवर्सिटी का सफ़र बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। रास्ते में हमें अल मंज़र के नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। अभी हम पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। इस वक्त मौजूद है मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। आइए आज के व्लॉग में हम देखते हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन की क्या क्या खासूसियात है और हम आपको यहाँ पर स्टूडेंट से मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये जर्नलिज्म की फील्ड क्यों चूज़ की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए पोस्टर जो कि हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। मेरी क्लास का टाइम हो गया है तो सोचा मैंने कि आपको क्लास भी दिखा दूं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट। आइए इनसे पूछते हैं इन्होंने जर्नलिज्म क्यों चूज़ किया। आपका नाम? मोहम्मद उसामा। आप कौन सी ईयर से हैं? मीडिया एंड कम्युनिकेशन फाइनल ईयर। क्या आप बता सकते हैं आपने फील्ड क्यों चूज़ किए? बेसिकली इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी एंड चाइल्डहुड से मुझे इसका शौक था अंदाज़ा बया एंड आई एम फर्स्ट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन स्पीच का मैं विनर रह चुका हूँ। तो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग दिस फील्ड फॉर मी। उसके बाद मेरा जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया दैन बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज हुआ। मैंने रेडियो में वर्क किया, मैंने उसके बाद AIY में वर्क किया, दैन फिर मैं एक्सपोज हुआ एडवर्टाइजिंग की फील्ड से जो इसकी एक सब ब्रांच है। तो उसके साथ में मैं उससे जुड़ा और मुझे बहुत अच्छी लगी, दैन फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया और अब वो मेरा प्रोफेशन भी है जी। और आप आगे आपने क्या सोचा है, आप किस मीडियम को चूज़ करेंगे? मैं एडवर्टाइजिंग को ही चूज़ करूँगा, उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है और उसका ही मेरा ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस भी है। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल। आप कौन सी ईयर से हैं? फोर्थ ईयर फाइनल ईयर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की है? ये इसलिए चूज़ की
वैसे तो मैं अचानक से आया हूँ, वैसे कोई शौक नहीं था मुझे। मीडिया में शौक था पर इस डिपार्टमेंट का शौक नहीं था। मैंने दूसरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था, बीबीए या इंग्लिश, पर यहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद पढ़ा, अच्छा लगा। यहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, अच्छा डिपार्टमेंट है। और जिसको भी मीडिया में शौक है तो उसको आना चाहिए। और आपने क्या सोचा आगे, आपके क्या गोल्स हैं? आगे मेरे गोल्स हैं कि इस फील्ड में काम करूंगा, अब आ गए हैं तो काम करेंगे आगे। थैंक यू। और ये है यहाँ की प्रिंट मीडिया लैब, जहाँ पर रोशनी न्यूज़पेपर और शौर मैगजीन की पब्लिकेशन की जाती है। आइए देखते हैं अंदर क्या है। के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर मौजूद है जिसमें एडिटिंग का काम किया जाता है, और यहाँ पर रोशनी न्यूज़पेपर के सैंपल्स भी मौजूद हैं। तो ये है हमारी शहूर मैगज़ीन, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने आर्टिकल्स लिखे हैं। आइए अब चलते हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन की लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी में मीडिया और सहाफत से रिलेटेड सारी किताबें मौजूद हैं। काफ़ी पीसफुल माहौल है, जिसमें स्टूडेंट्स आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और लैब के अंदर ही मैम शादिया की ऑफिस है। में हमने देखा मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।